स्वागत है। इस समय सोनिया बिहार में हूँ, 3:30 पुस्तक पे, जहाँ पर आज कवि सम्मेलन को लेकर आज धुआंधार चल रहा है। धूमधाम से जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सोनिया बिहार के स्थानीय लोग और दूर दराज के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आपको बता, अनिल कुमार पांडे, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। ये सिर्फ दुर्गेश पाठक का चमत्कार है और कुछ नहीं है। कवि सम्मेलन है आपके एरिया में सोनिया बिहार में, आप इसे क्या कहना चाहते हैं? ये मैं सही बता रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कभी एक कभी ही होता है जो समाज के सभी पहलुओं को हर स्तर पे टच करता है, समय सामयिक समस्याओं को जो है उठाता है अपने कविताओं के द्वारा। ये सबसे अच्छा माध्यम है समाज की समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को, देश की ताकत को आगे ले जाने के लिए, उठाने के लिए। आदरणीय संजय सिंह जी सामने विराजमान है, मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। सर बहुत तेजी से चल रहा है, क्या मानते हैं सर? ये सत्य है कि दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई है, लेकिन सम्मान बहुत हुआ, एक एक पल दिल्ली के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पतालों का पुनरुद्धार, एक तरह से अस्पतालों में इतना अच्छा सुधार किया है, रोड और गलियों का निर्माण बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिजली की गति से हो रहा है। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार जनता के हितों के कार्यों को करती जा रही है। तो मेरा मन है, बताना चाहते हैं, मौसम भी है, भीड़ भी है, खासकर खासकर करावन नगर विधानसभा में पिछले जब से सरकार आई है विकास की गंगा बह रही है। एक एक गली का निर्माण, जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक अपने स्तर पर निपटा रहे हैं। जिसको कोई समस्या है अगर वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता है तो उससे मिल रहे हैं। हम सा रूढ़ चलिया शारद तुमरी राह निहारे, ओ हाथ कलम मसी कागद लेकर मैया बालक तुम्हें पुकारे, हाथ कलम मसी कागद लेकर मैया बालक तुम्हें पुकारे। और अभी जाओ वागेश्वरी अब पल पल तुम्हारी राह निहारे, और दे दो आशीष विलम क्यों माता मन कविता का भाव जगारे, दे दो आशीष विलम क्यों माता मन कविता का भाव जगारे। बोलिए माँ सरस्वती हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं कवि सम्मेलन को समय से आरंभ कर देता हूं क्योंकि बड़ी टीम है हमारे पास। तो आप लोग एक बार मुझे आदेशित करें, आदेश दें, ताकि मैं इस कार्यक्रम आग लिए फिरता हूं, ना ही जीता हूं ना ही मरता हूं, दिल में एक आग लिए फिरता हूं, ना ही जीता हूं ना ही मरता हूं, ना ही जीता हूं ना ही मरता हूं। पंक्तियां लीजिए, संभालिए कि जब उजालों पे बस नहीं मेरा, जब उजालों पे बस नहीं मेरा, मैं अंधेरों में रंग भरता हूं, दिल में एक आग, तो मैं अंधेरों में रंग भरने की बात। जो कवियों के कार्ड छपे उसमें वीरेंद्र फौजी का भी एक नाम लिखा हो, तो हमारे बीच हमारे साथी वीरेंद्र फौजी जी बजाइए, आपका आदेश होना चाहिए। कभी नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, फौज बनाई है जिसके वजह से आज ये मंच सजा है, जिस सरकार की वजह से यहाँ मंच सजा है, ये सामने चेहरा है अरविंद जी का, इनके ऊपर एक मैंने कविता बनाया है जो खुद लिखा है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। हे सुरवीर, हे करमवीर,
हे भारत के वीर सपूत सुनो, रणभेरी की आहट है फिर से अपनी कमरे कसना है, सेवा संकल्प समर्पण से लिखा इतिहास बदलना है। नहीं पता पैसों की आधी किन बेगों से आएगी, नहीं बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब पर हमने काम किया, घर बैठे हो काम आपका ऐसा हमने प्रावधान किया। फिर भी भारत माता की, भारत माता की। और वो व्यक्ति भी जिसे लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए, बलराम जी, अनुज जी, सर आइए, येलो शर्ट, अरे दूर से कहाँ, सलाउद्दीन भाई आए क्या? अरे वाह वाह, स्वागत, जोरदार ताली। मैं माँ सरस्वती जी, अरे सर गोपाल अवस्थी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं कवि सम्मेलन को समय से आरंभ कर देता हूं, क्योंकि बड़ी टीम है हमारे पास, तो आप लोग एक बार मुझे आदेशित करें, आदेश दें, ताकि मैं इस कार्यक्रम आह निहारे हमसा रूढ़ चलिया, शारद तुमरी राह निहारे, ओ हाथ कलम मसी कागद लेकर मैया बालक तुम्हें पुकारे, हाथ कलम मसी कागद लेकर मैया बालक तुम्हें पुकारे, और अभी जाओ वागेश्वरी अब पल पल तुम्हारी राह निहारे, और दे दो आशीष विलम क्यों माता मन कविता का भाव जगारे, दे दो आशीष विलम क्यों माता मन कविता का भाव जगारे। बोलिए माँ सरस्वती। अब से थोड़ी देर में हमारे बीच आज की सभा का आकर्षण मुख्य अतिथि सांसद संजय सिंह जी आने वाले हैं, श्री दलीप माता की, दुर्गेश पाठक जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है, ऐसे नौजवान दुर्गेश पाठक का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपकी ताली बतानी चाहिए कि आप कितना प्यार करते हैं। आ जाइए, हाँ बिल्कुल आना होता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ दुर्गेश पाठक जी का, मजा नहीं आ रहा, जोरदार, पीछे तक, पीछे तक। मोहब्बत के सुर को साज दिला दो, मुमताज हूँ तुम्हारी मुझे ताज दिला दो, तुमसे रचाऊंगी मैं ब्याह प्रेमिका बोली, जानू मुझे बस आधा किलो प्याज दिला दो। वाह, प्याज के दाम चढ़ गए, आजकल चार पांच दिन से लगातार हमारे क्षेत्र में बारिश हो रही है, हम लोग परेशान हो गए, विकास बड़े नहीं हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कब बड़ा होगा। मैं चार लाइनें देता हूँ, अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ, आप तक पहुँच जाए तो मजा लीजिएगा, और घटना आपके क्षेत्र से मैच करती हो तो दुगनी ताली बजाइएगा।
ने कहा कि बरसात में तो नाली भी बज बजा रही है, बरसात में तो नाली भी बज बजा रही है, दुर्गंध फेफड़े में सांसों से जा रही है, नेताजी काम कुछ भी आखिर कहाँ हुआ है, सरकार स्वच्छता का भोपू बजा रही है। वाह वाह वाह, अदानी कोशिश कर रहा हूं मैं दो छोटे छोटे टुकड़े आपको और सुना दूं। हाँ एकदम। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कुछ लिखिए, नौजवान मित्र हमारे साथ सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं देखना चाह। नीरज जी, दो चीजों से हो रहा देश मेरा हलकान, दो चीजों से हो रहा देश मेरा हलकान, एक ट्रैफिक चालान है दूजा है इमरान रे बेबाक, दूजा है इमरान। अभी दमदार बनारसी ने पढ़ा, मैं भी अगले कवि को बुलाने के लिए आप लोगों के बीच चार पंक्तियां। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।